कल हिसार के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि महाराजा शूरसेन सैनिक जयंती के ऊपर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हिसार के सैनिक स्कूल के अंदर किया गया है और लगभग 1965 के अंदर सैनिक सभा ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी, उसका गठन किया गया था। लेकिन ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस सैनिक सभा की जयंती के अंदर शामिल होने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल इस समारोह के अंदर शामिल हुए थे, उसके बाद ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो इस बार सैनिक सभा के इस पूरी जयंती के अंदर शामिल होने वाले। तमाम तैयारियां आप लोग देख सकते हैं कि हिसार के सैनिक स्कूल के अंदर कर ली गई हैं। इसी को लेकर के आयोजक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है आयोजक मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर कल की इस जयंती की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लगभग कितने बजे उनके आने की उम्मीद है और क्या कुछ तैयारियाँ की जा चुकी हैं? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि 10 बजे से हम सब लोग आपका इंतज़ार करेंगे और वो अपनी सुविधा अनुसार जब भी जिस समय भी वो पहुँचेंगे और जब तक वो बोलेंगे तब तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। अगर कल की बात की जाए तो क्या कोई मांगे भी ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने सैनिक समाज की रखी जाने वाली हैं? सैनिक समाज वैसे तो अपनी बहुत सारी चीज़ों में खुद सक्षम है और मेहनती कौम है हमारी, बहुत मांगने में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी ट्रस्ट को चलाने के लिए या नई संस्थाएं खड़ी करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत लग रही है। जैसे शिक्षा के लिए हमने अगर कोई शिक्षा उद्यान खोलना है, शिक्षा संस्थान में कोई हमने बढ़ावा देना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी हैं और उन्होंने मंगवाई हैं, उस पर चर्चा करके जो उसमें से फिजिबिलिटी होगी उसकी घोषणा वो करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बाद मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कल यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं इस सैनिक समाज के समारोह के अंदर, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग लेकर के चल रहे हैं? वैसे तो माननीय मनोहर लाल जी सैनिक समाज से बहुत प्यार करते हैं और अनेकों कार्यक्रम में वो आते रहे हैं, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, जींद के अलग अलग कार्यक्रमों में वो आते रहे हैं। हिसार के कार्यक्रम में वो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए इसका हम ये मान सकते हैं कि हम उनसे जो भी मांग रखेंगे वो हमारी सब मांगों को मानने वाले हैं। ठीक है जवाहर जी, रवि जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुझे ये बताइए अगर कल की तैयारियों की बात की जाए तो अभी क्या कुछ तैयारियां बाकी हैं? हमारी तैयारियां तकरीबन लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ भी तैयारियां हैं जैसे ये बैरिकेड्स वगैरह लग रहे हैं, बैठने की व्यवस्था की जा रही है, शहर को अच्छी चारों तरफ से सजाया गया है, तो हमारी तैयारियाँ लगभग अब अंतिम पड़ाव के अंदर चल रही है। आपसे जानना चाहूँगी कि एक पंजाबी मुख्यमंत्री जो है सैनिक समाज के कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदलाव कल देखने को मिल सकते हैं? बदलाव तो इसमें सीएम साहब जब आएंगे यहाँ पर सारे भीड़ होगी, सारे खुश हैं, प्रॉब्लम के उसके सारे सीएम साहब को पता है, क्योंकि जब भी आते हैं या सारे हमारे साथ उसके साथ लग रहे हैं, वो सारे सैनी लग रहे हैं, सब सैनी एक हो रहे हैं और इतनी भीड़ हो जाएगी सीएम साहब देख करके गदगद हो जाएंगे और आगे उनकी मर्जी। अनिल माने भी इस वक्त हमारे साथ हैं, मुझे बताइए राज्य स्तरीय समारोह कल हिसार के अंदर होने वाला है, इसको लेकर के अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो क्या आप लोगों ने कोई अलग मांगे भी उनके सामने रखने वाले हैं? मुख्यमंत्री जी सम्मेलन में आ रहे हैं, समाज में वैसी खुशी है कि 25 साल बाद कोई मुख्यमंत्री समाज में आ रहा है और भव्य प्रोग्राम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास पूरा प्रदेश समाज के लोग निमंत्रण देने के लिए जब गए थे ना, तो उन्होंने कहा था भी ये सम्मेलन अपना हिसार का नहीं है, ये प्रदेश का सम्मेलन है, अब इसको राज्य स्तरीय सम्मेलन बनाकर सरकार की ओर से आयोजन करें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी की देन है, जो संत महापुरुषों की जो जयंती समाज मनाता था ना वो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, समाज की डिमांड है, डिमांड तो रहती है भी कोई एजुकेशन सिस्टम के लिए जगह मिल जाए, कोई धर्मशाला के लिए जगह बन जाए। हमारा प्राचीन स्कूल था जो 60 साल पुराना था, जिसकी हालत जर्जर हो गई थी, वो कम प्लेन करके दोबारा बिल्डिंग बनानी है, उसके भी योगदान के लिए हम मांग पत्र ले गए थे, मुख्यमंत्री जो दे गए उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कल समाज के लोग इकट्ठे होंगे, पूरे शहर में सारे समाज के लोग, प्रदेश के लोग आएंगे, मुख्यमंत्री जी सौगात भी देंगे, हम उनका स्वागत भी करेंगे। लगभग कितने लोगों के कल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? हमारे यहाँ 10,000 से ऊपर के ही संख्या आने की संभावना है, जिस तरीके से समाज के लोग लगे हुए हैं पूरा तैयारियों में और जो दूसरे जिलों से रिपोर्ट आ रही है, तो हमारे को लगता है यहाँ संख्या 10,000 से ऊपर ही रहेगी। ठीक है, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पहुँचने के साथ साथ ऐसे कौन से बड़े और दिग्गज नेता हैं जो कल यहाँ पर उपस्थित रहेंगे? उनके साथ में हमारे सांसद
कुरुक्षेत्र से नायब सैनी जी रहेंगे, डिप्टी मेयर रणवीर गंगवा जी रहेंगे, डॉक्टर कमल गुप्ता जी कैबिनेट मिनिस्टर वो साथ में रहेंगे, हमारे लोकसभा के राज्यसभा के जो सिटिंग सांसद हैं पूर्व एमएलए हैं वो सभी चेयरमैन जो हमारे हरियाणा में बने हुए हैं समाज से वो साथ में उनके यहाँ स्टेज पर रहेंगे और काफ़ी भव्य प्रोग्राम समाज की तरफ से किया जाएगा। अजय सैनी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए समारोह की तो क्या ये सिर्फ एक जो है किसी समाज का प्रोग्राम है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा? ये एक बहुत बड़ा उत्सव है, इस उत्सव में हर बिरादरी हर जाति का वर्ग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज का विषय है, आपने एक सवाल पूछा था कि सीएम साहब पंजाबी है, सीएम साहब कोई जाति नहीं होती, सीएम साहब सभी समाज के होते हैं। सीएम साहब जो जिन्हें बिठाया गया ना हर समाज के लिए सीएम साहब है, ठीक है। जो भी समाज के जो हमारे जो मांगे हैं समाज की, बहुत मांगे हैं समाज के, मतलब कि जगह की मांगे हैं, स्कूल की मांगे, काफ़ी मांगे जो सरकार के बीच हमने रखी है और हमारी उम्मीद है कि हमारी पूरी होगी सारी मांगे। क्या लग रहा है ऐसी कोई सौगात है जो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर देख करके जा सकते हैं? जो समाज ने मांगे मांगी है वो जो उनके सामने रखेंगे तो हमें आशा है कि वो सभी मांगे पूरी करेंगे हमारी। लगभग कितने बजे वो पहुँचेंगे कल हिसार? करीबन वो यहाँ सुबह 10 बजे का टाइम है, अब वो उन पर डिपेंड करता है कितने बजे तक यहाँ पहुँचते हैं। तो आपको बता देते हैं कि लगभग सुबह जो है 10 बजे यहाँ हिसार के अंदर सैनी स्कूल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महाराजा शूर सैनी जयंती राज्य स्तरीय समारोह के अंदर शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ कई दिग्गज नेता भी उनके साथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सैनी समाज इस जयंती के ऊपर अपेक्षा लगाए हुए है कि मनोहर लाल खट्टर जो है एक बड़ी सौगात इस बार सैनी समाज के साथ साथ पूरे हिसार को भी दे करके जा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कल कौन सी मांगें उनके सामने रखी जाने वाली है और कौन सी मांगों के ऊपर जो है टिक मार्क वो लगाने वाले हैं और कौन सी सौगात ऐसी है जो हिसार की जनता को मिलने वाली है कल। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए क्योंकि कल एक ऐतिहासिक समारोह हिसार के अंदर होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है भजन लाल के बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल यहाँ पर पहुँचने वाले। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।